News 18, India. अब बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई खबर। व्यासी तहखाने में पूजा जारी रहेगी, तो एक बड़ी जीत एक तरह से हिंदू पक्ष की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। 10 बजे का वक्त तय था जब आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को फैसला सुनाना था, यानी जो जिला अदालत ने पूजा जारी रखने की अनुमति दी थी, अब उसी को एक तरह से यथास्थिति रखा गया है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है, यानी व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। 10 बजे का वक्त तय था, यानी जो मुस्लिम पक्ष कोर्ट में गया था, याचिका उन्होंने डाली थी और कहा था कि ये पूजा की इजाजत ना दी जाए। अब उस पर जो फैसला है वो आ गया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, यानी यथास्थिति रहेगी। जो जिला अदालत ने फैसला सुनाया था, यानी व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी गई थी हिंदू पक्ष को, एक बड़ी जीत एक तरह से हिंदू पक्ष की है। ज्ञानवापी का फैसला आ गया है, बड़ी जीत हुई है। और बिल्कुल अभी इस मामले में मैं फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, और ये ऑर्डर किया है कि वहाँ पूजा जैसे हो रही है वैसे ही होती रहेगी, और उनकी उनकी अपील को बलहीन बांधते हुए खारिज कर दिया ना, खत्म मतलब करता रहेगा हिंदू पक्ष पूजा करता रहेगा। और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है वो सही है, वो गलत नहीं है, वो ऑर्डर को बरकरार रखा है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, हाईकोर्ट ने ये कह दिया है, मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब ये भी कहा गया कि कोई सुनवाई नहीं होगी, यानी एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष की है। जो पूजा की इजाजत मिली थी जिला आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था, उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी नहीं, एक डिटेल जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं। वो बहुत जल्दी किया गया है, इस सब प्रकार के उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जिसको कि उन्होंने बलहीन पाया। वर्षिप एक्ट के लिए क्या कहा कोर्ट ने? अब वो ऑर्डर आएगा वो हम बता पाएंगे, अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे। जी, प्रभाष पांडे फ्रॉम हिंदू साइड, विष्णु शंकर जैन साहब इसमें हैं, और हरिशंकर जैन साहब, प्रदीप शर्मा। सर इसमें इसमें क्या हुआ जी? आज रोहित रंजन अग्रवाल साहब की कोर्ट नंबर 6 में आज फैसला सुरक्षित पहले ही हो गया था, आज इसमें डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए था। रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का पढ़ा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम साइड की तथ्यों को, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने लिया था, और जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की, उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है। और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था, वहां जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। अच्छा, पूजा होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो डीएम को किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। 31 जनवरी का जो आदेश है वो एज इट इज रहेगा, वो उस आदेश के खिलाफ थे, वो दोनों ही आदेश एज इट इज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुस्लिम पक्ष पास अब क्या विकल्प बचता? विकल्प इसके अलावा ये है कि या तो वो यहाँ रिव्यू दाखिल करें, रिव्यू नहीं करेंगे जहां तक है कि वो एसएलपी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट वो पहले भी गए थे, वहां से कहा गया था कि यहां पर सुनवाई करें। वो सुनवाई यहां पे करें, वो अर्जेंसी में गए थे, अब यहां पे जो टेक्निकलिटी है वो खत्म हो गई, यहां की रेमेडी उन्होंने अवेल कर दी, अब इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एसएलपी करेंगे। इसमें उनके पास जो अब ऑप्शन है वो है एसएलपी का, क्योंकि दोनों याचिकाएं खारिज हो गई हैं। दोनों याचिकाएं खारिज हो गई जी।